सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं गार्लिक मशरूम। आइए देखते हैं इसको कैसे कैसे बनाते हैं। आप मशरूम ले लीजिए, फिर उसको छील लीजिए। अब आप इसको बीच में से काट लीजिए। अगर बड़े हैं तो ज़्यादा पीसेस कर लीजिए, छोटे हैं तो कम करिएगा। अब आप इनको धो लीजिए अच्छे से। अब आप एक पैन ले लीजिए, उसको गैस पे रख दीजिए। जब पैन गर्म हो जाए तो आप इसमें बटर डाल दीजिए। जब बटर मेल्ट हो जाए तो आप इसमें मशरूम डाल दीजिए जो हमने काट कर और धोकर रखे थे, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एक से दो मिनट होने के बाद आप इसमें हरी मिर्च और प्याज को बारीक काट कर डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको 2 मिनट के लिए भून लीजिए। जब 2 मिनट हो जाए तो आप इसमें बारीक कटा लहसुन डाल दीजिए और थोड़ा सा बटर और डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें नमक डाल दीजिए। काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और ओरिगैनो डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप मशरूम को ढककर पका लीजिए। फिर ढक्कन हटाकर इसको एक बार और चला लीजिए और चेक कर लीजिए मशरूम गल गए हैं कि नहीं। अब आप इसमें बारीक कटा हरा धनिया और हरा प्याज जो आता है वो बारीक काट कर डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको सर्व कर लीजिए। ये स्नैक्स के रूप में खाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। अब हमारा गार्लिक मशरूम बनकर तैयार है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।